हाय दिस इज समीना शेख जूम चैनल और फिलहाल में आ चुकी पुलिस स्टेशन क्योंकि मेरा कुछ तो जुर्म है जो करण नायक बताने वाले हैं। खैर हम मुकदमा नहीं चलाते क्योंकि हम लॉयर और जज नहीं है हम पुलिस वाले हैं हम केस बनाते हैं तो हाँ। बहुत ही बड़ा केस बनेगा आप पे तो आप डिसाइड कर लो कि क्या करना है आ... कितनी लंबी चार्ज शीटा बनाने वाले बहुत ही ईमानदार पुलिस वाला हूँ आ, लेकिन वो क्यू आर कोड वगैरह वाला टाइप का पुलिस वाला नहीं हूँ वो सब सोचिएगा ब्राइब 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 बदनाम करते हैं लोग लेकिन हम ऐसे वाले पुलिस वाले नहीं सर, थोड़ा यानी ऑफ तो कैमरा तो मांडवाली कर लेते पाँच सौ रुपए में नहीं 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 बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं पांच सौ रुपए अब इंस्पेक्टर के कैबिन में बैठ के देखिए इतना बड़ा कैबिन है मतलब इंस्पेक्टर नहीं ये तो मतलब डीएसपी है आईजी का कैबिन होना चाहिए लेकिन वैसे वाले कैबिन में मैं मामूली सा इंस्पेक्टर बैठा हूँ आप फिर बोल रही हैं पांच सौ है, कैसे हो सकता है इसका इसका तो <laughs> बहुत कम कम रकम है रेड ही पढ़वा देते हैं नहीं सर ऐसे मत करिए बता नहीं रही हूँ एड्रेस आपको पता नहीं आप कभी आ गए आप कौन से कहाँ पे आस पास, पास नहीं सर तो पुलिस है पुलिस की पहुंच सब जगह होती है हमारे कैमरे सब जगह लगे हुए हैं हमारे इन्फॉर्मर्स भी सब जगह हैं हम पता लगा लेंगे हम तो रेड लगवाएंगे ही लगवाएंगे आपके घर पे सर पर ये क्या हो क्या हो पांच सौ रुपए देखा आपने क्या? ये सोचती है ये जर्नलिस्ट लोग पुलिस के बारे में ये सोचते हैं पांच सौ रुपए में खरीद लेंगे हमें वाह हम वर्दी का ऐसा अपमान नहीं कर सकते मैडम पांच सौ रुपए क्या एक रुपये भी नहीं देंगे लेंगे हम देंगे देने की बात होगी बस सर आपके साथ में यानी क्या हो रहा है आपको लगता है पुलिस काफी इंप्रेस किए जा रही है दहाड़ के बाद में फिर से आप यानी हाँ, पुलिस का हाँ दहाड़ हाँ, में भी मैं ईमानदार पुलिस का रोल किया था मैंने हाँ इसमें मजा आ रहा है लेकिन ये दहाड़ टाइप का पुलिस अफसर नहीं है ये बहुत ही फिल्मी टाइप का पुलिस अफसर है तो इसको निभाने में मुझे बहुत मजा आ रहा है अंदर का मेरा जो 5 साल का बच्चा है जो हमेशा यूनिफॉर्म पहन के फिल्मी टाइप का पुलिस वाला करना चाहता था तो वो उसको बड़ी खुशी मिल रही है अवार्ड के लिए तो आपने बोला था कि मुझे पद्म भूषण शायद से मिल सकता है इसके लिए क्या इसके लिए क्या, इसके लिए क्या मिलना चाहिए इसके लिए तो ऑस्कर मिलेगा मुझे ऑस्कर बट आल्सो जब मुझे पता चला कि आपका डबल रोल है इंस्टेंटली मेरे माइंड में सुनील शेट्टी का वो रोल आ गया था गोपी वाला which is like, yes, गोपी किशन और मेरे दो दो पापा तो ऐसे कुछ होने वाला है कुछ? नहीं मेरे ख्याल में तो स्क्रिप्ट है, हाँ। है। नहीं, नहीं, <coughs> मजेदार रोल है तो आई थिंक uh, मतलब की तो जरूरत है हमें तो जैसे दहाड़ में था बहुत रियलिटी में बेस्ड है वो स्टोरी तो उस हिसाब से उस दुनिया में किस तरह के लोग रहते हैं पुलिस वाले कैसे व्यवहार करते हैं वो बहुत रियलिस्टिक पोट्रेल चाहिए था उस वह उस, उसकी सेंसिबिलिटी थी लेकिन ये ऐसे नहीं है ये यहाँ पे एक्शन है यहाँ पे मैं अनुराग कश्यप जी को उठा के फेंक रहा हूँ ये सब चल रहा है है ना तो ये वो टाइप की एक एंटरटेनिंग कहानी है तो इसका मज़ा कुछ और ही है और ये जो सेंसिबिलिटी है मुझे एज एन एक्टर इस सेंसिबिलिटी को के सूटेबल तरीके से मुझे अपना एक्टिंग डालना पड़ेगा उस सेंसिबिलिटी में तो काफ़ी मज़े आ रहे हैं तो सिर्फ वो भागना दौड़ना ये इसमें मज़ा नहीं आ रहा है लेकिन एक्शन में और सीन्स करने में पंच लाइन डायलॉग्स बोलने में वो सब बहुत मज़ा आ रहा है और अनुराग के साथ भी भी मेरे सीन्स हैं तो वो, उसके मज़े अलग हैं क्योंकि हम तो उन्होंने तो मेरे मेरी शुरुआत उन उनके साथ हुई थी तो सो इट्स अ नाइस सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी हम लोग एक्ट कर रहे हैं अभी पर हमेशा यू नो ये डायलॉग हम सभी बोलते हैं मेरे करण अर्जुन आएंगे हाँ। इस बार करण अर्जुन आ ही रहे कहीं गए आई करण अर्जुन आए हैं हाँ। लेकिन करण है अर्जुन कहा है करण कौन है अर्जुन कौन है इसका थोड़ा डाउट है हाँ। आ गए करण अर्जुन वापस ये देखिए इसी से पता चलता है कि क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि करण अर्जुन इस नाम से क्या रिकॉल आता है तो ये हमारा शो भी ऐसा ही है वेराइटी शो है

आई डोंट नो कि मैंने सुना है सुना नहीं या समथिंग लाइक दैट जब ये मुझे पिच किया जा रहा था तो कॉन्सेप्ट uh, को लेके काफ़ी एक्साइटेड हो गया क्योंकि मेरे लिए मेरे करियर में जो जिस तरीके के प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं ये मेरे डाइवर्सिटी के लिए काफ़ी अच्छा है <laughs> तो मैंने सोचा इट्स अ ग्रेट आइडिया और आदित्य के साथ मैं कमांडो कर चुका था कमांडो में उनका विलन था यहाँ पे मैं उनका लीडिंग मैन हूँ सो आई वॉज रियली एक्साइटेड विद द प्रमाइस और जो कहानी है एंड द अपॉर्चुनिटी टू डू अन अदर टाइप ऑफ डबल रोल क्योंकि इससे पहले मर्द को दर्द नहीं होता मैं मैं डबल रोल कर चुका हूँ लेकिन ये बहुत अलग किस्म का डबल रोल था मेरे लिए तो इसको कैसे अप्रोच करूंगा इनकी जो सेंसिबिलिटी है इसमें कैसे मैं अपने आप को अडेप्ट करूंगा तो वो उसको लेके काफ़ी एक्साइटमेंट था तो इस बीच में मैं शायद मैंने सुना नहीं होगा या मुझे बताया नहीं कि ये

कि ये नाम बैड कॉप है इसका मतलब ये नहीं है कि कॉप बैड है या कोई और है तो वो तो शो देखने के बाद ही लोग डिसाइड करेंगे कि क्या है बट इतना तो है कि वैरायटी शो है इसमें सब कुछ है इसमें बैड भी है इसमें गुड भी है इसमें ओके भी, भी है इसमें बहुत बढ़िया भी है ये सब कुछ है तो डबल रोल है तो देखिए बेसिक तौर पर दो जुड़ा भाई हैं एक पुलिस में है एक कॉन मैन है तो ऐसा एक रिश्ता है और उन दोनों की ज़िंदगी में साथ ही में एक ऐसी घटना होती है जिसकी वजह से कहानी में ट्विस्ट आ जाता है तो करण अर्जुन को आना पड़ता है साथ में तो वैसी एक कहानी है तो इसमें है कुछ नेगेटिव शेड्स भी हैं आई थिंक इसीलिए मुझे अप्रोच किया गया क्योंकि ज़्यादातर लोग आ, मेरे ऐसे रोल्स को पसंद करते हैं जहाँ में मैं थोड़ा सा बैड बॉय या आ, नेगेटिव टाइप का रोल मैं करता हूँ ग्रे शेड्स वाले रोल लोगों को पसंद आते हैं ज़्यादा शायद इसीलिए इन्होंने मुझे अप्रोच किया सिर्फ लेकिन सिर्फ उस टाइप का रोल नहीं है काफ़ी और किस्म के शेड्स भी है और काफ़ी एंटरटेनिंग है मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है करने में मेरे लिए एक नई चीज़ भी है एक्चुअली एक्सप्लोरेशन ये कि ऐसे वाले कहानी ऐसे वाले किरदार मैं कैसे करूँगा और लोगों ने किया है लेकिन मैं कैसे करूँगा इसमें एक नया अंदाज़ मैं कैसे लाऊँगा तो ये मेरे लिए एक एक्साइटिंग uh, uh, और चैलेंज uh, वाली बात भी थी

लेकिन वो ऐसे वाले बैड बॉयज़ बहुत ज़्यादा एट्रेक्टिव बन जाते हैं और एंटरटेनिंग होते हैं तो शायद इसी वजह से मेरे दूसरे रोल्स भी लोगों को इतने पसंद आ रहे हैं और आजकल कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी पॉपुलर हो रहे हैं जो बहुत प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर्स हैं लेकिन आप एक कहानी में देखते हैं तो आपका मन बहुत मनोरंजक भी लगते हैं कि आपको मज़ा भी आता है बट असली ज़िंदगी में ऐसे लोग <laughs> आ, मतलब ऐसे लोगों को रोमांटिसाइज नहीं करना चाहिए And I have to also ask you before I let you go because Saturday, you bhi to wait on Saturday because chart sheet is be But also, I have to ask you that uh, talking about your personal life, you're trying to rekindle your love life, you know, and with your partner. And how does th that change happen to you? And it's a very good thing, it's a very good initiative that you're doing also in a way. And it encourages a lot of people to give second chance to marriage. ज वी आर सेपरेटिंग डीन दैट दिस इज द एंड ऑफ आवर रिलेशनशिप कुछ ना कुछ तो अच्छा है हम दोनों के बीच में तो कुछ नहीं तो एक दोस्ती हम लोग बचा के रखते हैं ऑल द गुड थिंग्स ठीक है बुरी चीजें भी थी लाइक like, अनबन था वो तो है एंड यू गेट ओवर इट विद टाइम यू गेट ओवर इट बट हम दोनों ने भी ये नोटिस किया था कि हमारे हाँ हम इत, बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो डिवोर्स के बाद एक दूसरे को मिलना नहीं पसंद करते हैं या सेपरेशन के बाद में एक चेहरा देखना पसंद नहीं करते हैं किसी मुझे भी कोई एक्ट्रेस मिली थी जो काफ़ी जानी मानी एक्टर हैं तो उनके सेपरेशन के बाद शी हैज़ अवॉइडेड मीटिंग हर हस्बैंड फॉर ट्वेल्व ईयर्स क्योंकि इतना ट्रामा और पेन था सो वी डिसाइडेड कि हमारी ज़िंदगी ऐसी बिल्कुल नहीं होगी तो उसके लिए क्या करना चाहिए तो धीरे धीरे हमने इस पर काम किया फिर रियलाइज किया कि प्यार तो अभी भी है बरकरार हम दोनों के बीच में तो क्यों ना क्योंकि हम बेहतर जानते हैं मे बी वी डिन नो बेटर जब हम लोग साथ में थे वी इन नो बेटर एनवायरमेंट एक किस्म का था हमारे एक्सपीरियसिस एक किस्म के थे मेरी भी शुरुआत हो रही थी उनकी भी शुरुआत हो रही थी इतना विजडम नहीं था इतना संयम नहीं था हम दोनों के बीच में एज इंडिविजुअल्स ऑल्सो तो हमने सोचा कि शायद एक बार और कोशिश करके देखना चाहिए क्योंकि वो अट्रैक्शन और प्यार है अभी भी बीच में तो मे बी वी शुड स्टार्ट स्लोली एंड देन सी टेक वन डेट एट अ टाइम एंड सी तो फ्रेंडशिप तो है ही बट अभी इट्स रिकिंडल द रोमांस देखते हैं क्या होता है आई डोंट वॉन्ट टू लाइक थिंक टू अहेड मैं बात भी खुल के इसके बारे में करता हूँ क्योंकि सेपरेशन डजेंट मीन द एंड ऑफ अ रिलेशनशिप यू हैव समथिंग रियली गुड बिटवीन टू पीपल ना आपको मैं वो एक मिसाल देता हूँ कि कुछ तो पेड़ में बीमारी है तो पूरे पेट को काट काटने की जरूरत नहीं पड़ती है एक काट के के फेंक दो तो, तो वो पेड़ पेड़ बच जाएगा हमने वही किया तो पेड़ को बचा के रखा hmm. पर इसके वजह से काफी लोगों का दिल टूट गया है यू मस्ट बी नोइंग दैट फॉर There There is nothing, there is nothing. no other. One. Sorry, yeah. But But you you can fantasize. before yeah. fantasize तो let you go, what are your upcoming projects you're working on after this? तो यही है। इसके बाद का देख रहा मैं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है उसके बारे में मैं कुछ है मतलब वो क्या होता है ना कुछ ऐसे मुकाम पढ़ाव आते हैं जो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होते हैं तो ऐसे कुछ चीज़ों को ना बचा के रखना पड़ता है बिफोर एवरीथिंग इज़ फाइनल आप बात करेंगे तो कभी कभी वो अच्छा नहीं लगता है तो और, और बात बाद में बात करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना हमारे पास तो ऐसे। है तो फिलहाल तो मेरा फोकस सिर्फ इस चीज़ पे है तो कुछ शायद कुछ प्रोजेक्ट्स शायद रिलीज़ होंगे इस साल में बट आई डोंट रियली नो बट इसको ख़त्म करने के बाद एक छुट्टी लूँगा मैं फिर देखते हैं क्या करना है